हेलो दोस्तों, आप सभी का दिन पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं निर्भरता सिद्धांत आंद्रे गोटर फ्रैंक, डिपेंडेंसी थ्योरी आंद्रे गोटर फ्रैंक के बारे में। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि अगर हम कभी इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ते हैं, विदेश नीति को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आंद्रे गोटर फ्रैंक का निर्भरता सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जब इस सिद्धांत को लाया गया, जब प्रतिपादित किया गया इस सिद्धांत को, उससे पहले जो सिद्धांत थे हमारे विश्व के अंदर में, वो यथार्थवाद का सिद्धांत, नव यथार्थवाद का सिद्धांत और नव उदारवाद के सिद्धांत प्रतिमान थे। जिसके कारण से क्या हुआ, जो अमीर देश थे वो और ज़्यादा अमीर हो गए और गरीब देश और ज़्यादा गरीब होते चले गए, जिसके कारण से ये नव निर्भरता सिद्धांत को लाया गया, आंद्रे गोटर फ्रैंक का निर्भरता सिद्धांत लाया गया, डिपेंडेंसी थ्योरी लाई गई। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है और ये महत्वपूर्ण टॉपिक उन बच्चों के लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो किसी भी तरह के प्राइवेट गवर्नमेंट और किसी भी तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इंटरनेशनल रिलेशन से, विदेश नीति से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनमें निर्भरता सिद्धांत को अक्सर रखा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, तो लास्ट तक हमसे जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, लास्ट तक जुड़िए फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें इसमें सीखने के लिए मिलने वाली हैं। अगर हम आज के टॉपिक का बेसिक चीज़ देखें तो क्या है बेसिक चीज़ें, तो आज हम बात करने वाले हैं आंद्रे गोटर फ्रैंक की जीवनी, आरंभिक जो उसकी शुरुआती जीवन कैसा रहा। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल एनालाइज करेंगे, साथ साथ हम देखेंगे कि निर्भरता सिद्धांत है क्या, उसको कब पारित प्रतिपादित किया गया, उसका मतलब क्या है और क्यों, क्या, कैसे, सब कुछ ही जानेंगे। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो फोटो देख रहे हो, ये आंद्रे गोटर फ्रैंक का ही है जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगर आप बात करो आंद्रे गोटर फ्रैंक के बारे में कि ये हैं क्या, कैसे, तो इनका जन्म 24 फरवरी 1929 को 23 अप्रैल 2005 मतलब इनका जन्म 24 फरवरी 1929 को होता है और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 2005 को होती है। वे एक जर्मनी अमेरिकी समाजशास्त्री और आर्थिक इतिहासकार थे जिन्होंने 1970 के बाद निर्भरता सिद्धांत को बढ़ावा दिया और 1984 के बाद विश्वव्यापी प्रणाली सिद्धांत को। उन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर कुछ मार्क्सवादी अवधारणाओं को नियोजित किया लेकिन मार्क्स के चरणों को खारिज कर दिया। ठीक है, उन्होंने मार्क्सवादी विचारधाराओं को तो माना, अवधारणाओं को तो माना, पर उनके जो चरण थे किस तरह से ऐसे करना है उसको उन्होंने मानने से मना कर दिया, खारिज कर दिया। फ्रैंक के जो पिता थे वो एक जर्मनी थे। ठीक है, वो जर्मनी परिवार, यहूदी परिवार में पैदा हुए। ठीक है, वो एक जर्मनी यहूदी परिवार में पैदा हुए। यहूदी परिवार में पैदा होने के साथ साथ जो इनके पिता थे, एक शांतिवादी लेखक थे जिनका नाम लियोनार्डो फ्रैंक था और उनकी पत्नी, जो उनकी दूसरी पत्नी जो फ्रैंक थे, वो अपने पिता के दूसरी पत्नी के पुत्र थे। ठीक है, जिनका नाम एलेना माकिन था और एलेना माकिन के यहाँ पे इनका जन्म होता है। लेकिन ये एडोल्फ हिटलर के कारण, एडोल्फ हिटलर जब चांसलर नियुक्त कर दिए जाते हैं जर्मनी के, तो उसके बाद ये उनका परिवार जर्मनी छोड़कर भागना पड़ता है। क्यों भागना पड़ता है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो एडोल्फ हिटलर है, एडोल्फ हिटलर वो यहूदियों को बहुत बड़ा दुश्मन के तौर पर जाना गया। यहूदियों को बहुत सारी यातनाएँ दिया जाता था, मारता पीटता था। ठीक है, जिसके कारण से यहूदी सब डरते थे और जब एडोल्फ हिटलर बनता है चांसलर, तो उसके कारण से ये विस्थापित हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रैंक ने स्विट्जरलैंड में कई स्थानों से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करी, वहाँ जहाँ उनका परिवार तब तक बस गया जब तक वे 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं चले गए। अब जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कहा कि स्विट्जरलैंड में कई जगहों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। कई जगहों से मतलब कहने का मतलब क्या, कि अगर मान लो आप एक स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाते हो तो वहाँ पे तुरंत आपको सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, आप जल्दी से सेटल नहीं हो सकते, तो कुछ दिन यहाँ रह रहे थे, फिर कुछ दिन यहाँ रह रहे थे। इस तरह से करते करते उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी स्विट्जरलैंड से, कई स्थानों से, और 1941 में जाकर वो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में जाकर बसते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रैंक का सनातन की शिक्षा जो पढ़ाई थी सर्वोत्थर कॉलेज से हुई थी, सर्वोत्थर कॉलेज से हुई। उन्होंने अपनी पीएचडी अर्थशास्त्र में 1957 में शिकागो विश्वविद्यालय से की। आगे हम देखते हैं कि मतलब उन्हें जब अर्थशास्त्र में उन्हें डिग्री मिल जाती है, वो कर लेते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने निर्भरता सिद्धांत को प्रतिपादित किया, डिपेंडेंसी थ्योरी को दिखाया। डिपेंडेंसी थ्योरी है क्या, तो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में निर्भरता का सिद्धांत यह है कि संसाधन निर्धन एवं अल्प विकसित देश परिधि से धनी देश के केंद्र की ओर प्रवाहित होते हैं और निर्धन देशों को और गरीब करते हुए धनी देशों को और धनी करते हैं। सिंपल सा आप समझो, इसमें कह रहा है कि जो भी निर्धन देश है, मान लो ये छोटा वाला जो है अमीर देश है और ये बड़ा वाला निर्धन है, क्योंकि बड़े निर्धनों की संख्या ज़्यादा है और अमीरों की संख्या कम है, तो जो निर्धनों के पास जो वो है गुड्स है, ठीक है, गुड्स है, वो क्या होता है, इनकी परिधि से निकलकर, मतलब इनकी बाउंड्री से निकलकर इनके केंद्र में चला जाता है। सिंपल सा ये सिद्धांत यहाँ पे कहता है कि जो निर्धनों का सामान है वो क्या करता है, अमीरों के पास जाता है।
ठीक है, ये इसमें कहा गया, ठीक है, जिससे अमीर जो है और अमीर होते गए और जो गरीब थे और गरीब होते गए। डिपेंडेंसी थ्योरी मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है? तो कहा जाता है कि निर्भरता सिद्धांत निम्न स्तर के विकसित देशों के आंतरिक परिवर्तनों का विश्लेषण करने वाला एक ऐसा उपागम है जो उनके निम्न स्तरीय विकास की विश्व आर्थिक विकास में परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करता है। ठीक है, ये मतलब ये गरीबों का जो विकसित देश है या फिर अल्प विकसित देश है उनके स्तरों को देखता है कि क्या है, किस तरह का है। ठीक है, उनके आंतरिक परिवर्तनों को विश्लेषण करने वाला उपागम है। ठीक है, जो उसके किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, विकसित देशों का आंतरिक परिवर्तनों को विश्लेषण करने वाला एक उपागम माना गया है। आगे देखें तो यहाँ पे एक मैंने पिक्चर का यूज़ किया है जो आपको बताएगा कि निर्भरता सिद्धांत किस तरह से आप अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो ये कोर कहा गया केंद्र को, ठीक है, ये अमीर देश हो गया, ठीक है, एक गरीब देश हो गया और ये भी एक गरीब देश हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रिसोर्स, रिसोर्स मतलब संसाधन। ठीक है, यहाँ पे भी रिसोर्स दिख रहा होगा, तो जो पहला गरीब देश है उसके रिसोर्स क्या कर रहे हैं, अंदर अमीर देश के पास जा रहे हैं। ठीक है, पहला अमीर देश के पहला गरीब देश का रिसोर्स जो संसाधन है अमीर देश के पास जा रहा है सेंटर में। फिर देखो दूसरा वाला जो लाइन का गरीब देश है उसका भी रिसोर्स क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है अमीर देशों के पास। ठीक है, तो गरीब देशों के संसाधन अमीर देशों के सेंटर में जाते हैं, परिधि को पार करते हो। अब देखो एक सर्कल के अंदर में ये परिधि है। ठीक है, अगर सर्कल को दो पार्ट में बांट दिया इस तरह से दो पार्ट में, तो इसके ये भी परिधि होगा और ये भी परिधि होगा। आपने 10th 11th 12th में मैथ में पढ़ा होगा, 9th में मैथ में पढ़ा होगा। ठीक है, तो परिधि ये समझ में आता है आपको। अब देखो यहाँ पे रिसोर्स तो अंदर आ रहे हैं तो पर गुड्स बाहर जा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे अंग्रेज जब हमें आ रहे ऊपर 200 साल तक राज कर रहे थे भारत में, तो क्या हुआ यहाँ से वो रेशम लेके जाते थे, भारत से वो रेशम लेके जाते थे और रेशम का क्या करते थे, वो कपड़े बनाते थे या जो भी अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते थे उसको भारत में ला के बेचा करते थे बहुत ज़्यादा कीमतों पर। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें होती थी। तो हमारे रिसोर्स को ले गए, संसाधन को ले गए, जो रेशम थे वो ले गए और उन्होंने गुड्स बनाकर उसके वस्तु बनाकर हमें ही लाकर बेचने लगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा निर्भरता सिद्धांत वर्क करता है। निर्भरता सिद्धांत बताता है कि क्या हो रहा है समाज के अंदर में। ठीक है, वो स्टडी करता है कि समाज के अंदर में क्या चल रहा है। समझ में आता है दोस्तों, आगे देखते हैं। निर्भरता सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो निर्भरता सिद्धांत की उत्पत्ति मार्क्सवादी तथा पश्चिम विद्वानों द्वारा समर्थित आधुनिकरण एवं राजनीतिक विकास सिद्धांतों का विकल्प के रूप में हुई और यह तृतीय विश्व के विकासशील देशों की राजनीति का विश्लेषण करने वाला संरचनात्मक प्रयोगनात्मक एवं पारंपरिक मार्क्सवादी सिद्धांतों का अस्वीकृत करता है। ये देखो नॉर्मली जो इसका बना था जब ये, तो मार्क्सवादी सिद्धांत के बेस पे ही हुई थी। ठीक है, और जो मार्क्सवादी सिद्धांत के जो पश्चिमी विद्वान थे उन्होंने इसका समर्थन किया था। बाद में पर इसका जो प्रयोगात्मक और संरचनात्मक जो पारंपरिक मार्क्सवादी सिद्धांत था उसको इन्होंने मान्य समना कर दिया। जो मतलब मेन मोटिव होता है मार्क्सवादियों का कि ऐसा ऐसा चलना है, ये करना है, उसको इन्होंने मान्य से मना कर दिया। ये उसको सिद्धांत को अस्वीकृत करते हैं, ठीक है, डिनाई करते हैं। निर्भरता सिद्धांत यूरो केंद्रीय झुकाव तथा साम्राज्यवाद एवं आधुनिकीकरण के प्रतिमानों को अस्वीकार करने के साथ साथ तृतीय विश्व के देशों में विद्यमान निम्न स्तर के विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण करके राजनीति के अध्ययन के लिए एक यह वैकल्पिक उपागम प्रस्तुत करता है। नॉर्मली ये गरीब देशों का विश्लेषण करता है, ठीक है, अमीर देशों का आधुनिकीकरण प्रतिमानों को अस्वीकार करता है। ठीक है, साथ साथ तृतीय विश्व के जो मतलब आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे बार बार मैं तृतीय विश्व कह रहा हूँ, तृतीय विश्व है क्या ये समझो पहले। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो वहाँ पे दो पावर उभर के आए, अमेरिका और रसिया। कुछ जो देश थे जो नव मतलब स्वतंत्र हुए थे, अभी नए नए आज़ाद हुए थे, उन्होंने अपने आप को तीसरे विश्व के रूप में रखा। ठीक है, जैसे तीसरी दुनिया कहा गया तो यहाँ पे तीसरा विश्व मतलब ये तीसरा, और जो ये नव निर्भरता सिद्धांत है ये पूरी की पूरी तरह से इन तीसरे देशों के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, निर्भरता सिद्धांत इन देशों के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इन्हीं को प्रॉब्लम हुई थी इस सबसे चीज़ों से, क्योंकि अमीर देश थे जो बाकी जो देश थे, अमेरिका हो चाहे रसिया हो, ये सारे तो अपने आप में खुश थे और अपने जी रहे थे भाई, इनके पास सब कुछ था। पर जो नए नए देश विकसित हुए थे इनके सारे रिसोर्स तो चले गए, अब इनके पास कुछ बचा नहीं था, तो किस तरह से रहे, तो उसी के बेस पर बनाया गया निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, समझ में आता है, तो यहाँ पर ये हम बात करते हैं। निर्भरता सिद्धांत के समर्थक तीसरी विश्व के निर्धन और आर्थिक रूप से निर्भर देशों के विकास की निम्न स्तरीय स्थिति का
अध्ययन उस सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया का संदर्भ में करते हैं जो कि इन देशों के विकास एवं समृद्धि देशों के साथ जोड़ती है। जो निर्भरता सिद्धांत है वो क्या करता है भाई, तो समर्थक निर्भरता सिद्धांत के जो समर्थक है, तीसरी विश्व के निर्धन और आर्थिक रूप से निर्भर देश, ठीक है, उनके विकास की बात करता है। जैसे मान लो तीसरी दुनिया के जो लो देश है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो दक्षिण एशिया के देश पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये जो पश्चिमी एशिया के देश है, अफ्रीका के कुछ देश हैं, इनकी बात करता है। इनकी जो आर्थिक रूप से निर्धन है, ठीक है, सामाजिक रूप से निर्धन है, तो इनकी बात करता है कि इनको किस तरह से हम इनका विकास कर सकते हैं, इनकी किस तरह से ग्रो हो सकती है, इसके बारे में बात करता है, ठीक है, इनका अध्ययन करता है, वो समझ में आता है। और इनका अध्ययन करके क्या करता है, विकसित देशों के समृद्ध देशों के साथ जोड़ता है इन्हें, ठीक है, जो विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, उनके साथ इनको जोड़ता है, इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं तो निर्भरता सिद्धांत की जरूरत कैसे पड़ती है, कि किस कारण से यह निर्भरता सिद्धांत पर अधिक बल दिया गया, इसको बारे में जानते हैं, इसकी डिटेल से एनालाइज करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों के मध्य संबंधों का मुख्य आधार परस्पर अंतर्निर्भरता था रहा। धीरे धीरे यह अंतर्निर्भरता उनके, विशेषकर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की अस्तित्व का प्रश्न बन गया, परंतु इसके साथ साथ विकास के दौर भी जारी रहा, लेकिन यह विकास आर्थिक रूप से समान नहीं रहा। अंत एक दूसरे पर निर्भरता और अधिक उजागर होने लगी। इसके प्रभाव के आंकलन की प्रक्रिया में निर्भरता सिद्धांत का प्रजनन हुआ। अब समझने वाली बात यह है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो पूरी दुनिया के सामने तीन देश उभर के आते हैं, अमेरिका जो पहली दुनिया के नाम से जाना गया, रसिया जो दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया, और जो नव स्वतंत्र देश थे, जो नए नए आज़ाद हुए थे, किससे आज़ाद हुए थे, जो इन्हें गुलाम बना रखे थे, जैसे इंडिया आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे देश थे जो आज़ाद हुए थे। तो ये तीन देश थे, तो ये क्या हुए कि किसी ना किसी तरह से इंटरकनेक्टेड थे। जैसे इंडिया के हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो इंडिया क्या था, वो रसिया के साथ जुड़ा हुआ था क्योंकि रसिया उसे सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, जो हमारा घरेलू लड़ाई भी हो रही थी, किसी भी तरीके से लड़ाई हो रही थी, तो उसमें रसिया ने हमें सपोर्ट किया, ठीक है, पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाने में, या मतलब ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में, हर तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हथियार दिया, सब कुछ दिया, तो इस तरह की चीजें थी। तो हम उसके साथ भी संबंध बना रहे थे, अमेरिका के साथ भी संबंध बना रहे थे, मतलब सबके साथ लेके चल रहे थे, उसी तरह से सब इंटरकनेक्ट थे एक दूसरे से, सबका संबंध कहीं ना कहीं था, और सब एक दूसरे पे आत्मनिर्भर थे। हम तो पूरी तरह से रसिया पे उस समय आत्मनिर्भर थे, मतलब खाना पीना सब कुछ उसी एक तरह से होता था, ठीक है, रसिया के अंदर में हमारी भारतीय फिल्मों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, आप सबको पता होगा, आपने कई बार न्यूजों में सुना होगा। तो इस तरह से आत्मनिर्भरता थी हमारे ऊपर, हम उनके ऊपर, ठीक है, जिसके कारण से उनका आकलन करने के लिए कौन कितना निर्भर है, आत्मनिर्भर है, कितना रिसोर्स कौन यूज कर रहा है, मतलब गरीब देशों का संसाधन कितना उसकी परिधि से बाहर जा रहा है और अमीर देशों के सेंटर में पहुंच रहा है, इसको जानने के लिए निर्भरता सिद्धांत का जन्म होता है, ठीक है, पहला समझ में आता है, पहला पॉइंट। इसके कुछ और पॉइंट्स हैं जिससे ये पता चलता है निर्भरता सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ी। मान लो मैं कह दूं निर्भरता सिद्धांत है जरूरी, पर पूछोगे ना भाई किसकी जरूरत क्यों पड़ी, जब से पहले से ही चार पांच सिद्धांत है तो जरूरत क्यों पड़ी, तो जरूरत पड़ने का कारण यहाँ पे ये बताया गया। अगला कारण देखते हैं तो कहता है बहुत से आर्थिक मुद्दों पर ये आज भी अपने ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन दृष्टिकोण के माध्यम से उनकी इन समस्याओं का अध्ययन करना भी संभव नहीं रहा, अतः एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस होने लगी जो राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाओं के संबंध के अनुरूप इन समस्याओं का अध्ययन कर सके, ठीक है। अब नॉर्मली क्या हुआ कि जो देश थे उनके सामने कई तरह के मुद्दे थे, आर्थिक मुद्दे बहुत सारे मुद्दे थे, ठीक है, अब उन मुद्दों को कौन कौन से मुद्दे को चुने, किस मुद्दे का अध्ययन करें, किस समस्याओं को सॉल्व करें, ये पता नहीं चल पा रहा था, ठीक है, उसके कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो उनको सबको डिटेल करने के लिए, सबको सही से समझाने के लिए इस व्यवस्था की जरूरत पड़ी, इस राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाओं को संबंध को लाना पड़ा और डिपेंडेंसी थ्योरी को अपनाना पड़ा, ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आता है। तीसरा इसका कारण बताया जाता है कि उन राष्ट्रों के समक्ष मुख्य चुनौतियां के रूप में राष्ट्र निर्माण, व्यापार, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास आदि बहुत सी समस्याएं उपलब्ध थी। ये उन देशों की बात कर रहा है जो मतलब नव स्वतंत्र हुए, जो तीसरी दुनिया के देश थे, उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम थी क्योंकि अभी अभी नए नए आजाद हुए, उनको पता ही नहीं कि करना क्या है, किससे व्यापार करना है, किससे व्यापार नहीं करना, किस तरह देश चलाना है, कुछ नहीं आइडिया है। तो उनके सामने क्या निर्माण था, राष्ट्र निर्माण को, अपने देश को बचाना, ठीक है, व्यापार करना, आर्थिक विकास करना, औद्योगिक विकास करना, ये सारी समस्याएं उपलब्ध थी। इन सभी कारकों से अब राजनीतिक की बजाय आर्थिक विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होते चले गए। इसलिए बढ़ते हुए आर्थिक महत्व के परिणाम स्वरूप निर्भरता सिद्धांत का अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। अब जैसे देखो
आप नए नए आज़ाद हुए, हमारा भारत नया नया आज़ाद हुआ, तो नया नया आज़ाद होने के बाद सबसे पहले क्या करेगा भाई, राष्ट्र निर्माण करेगा, पूरे देश को बनाएगा। तो जैसे हमने भी क्या किया, 565 राजवाड़े तो सबको इकट्ठा किया, ठीक है, 562 राजवाड़ों को, 62 राजवाड़ों को इकट्ठा किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, एक सूत्र में बांधा, जिससे पूरा एक राष्ट्र लगे, ठीक है, सब एक सुर में बोले, ऐसा किया गया। उसके बाद में भाई आर्थिक व्यापार को बढ़ाने के लिए भाई अलग अलग देशों से संबंध बनाएगा, उसको वहाँ पे हम लोगों को प्रोत्साहन करेंगे कि आओ आप भी व्यापार करो, इस तरह से करेंगे जिससे हमारा विकास हो, आर्थिक विकास हो। वहाँ पर राजनीति को कुछ समय के लिए भूल जाएंगे, सिर्फ हम आर्थिक विकास पर जोर देंगे। तो इस तरह से निर्भरता सिद्धांत पूरा वर्क करता है, यहाँ पर निर्भरता सिद्धांत आपका खत्म होता है। दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और फ्रेंड्स अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, कहीं भी कुछ आपको पूछना हो, कन्फ्यूज़न हो, तो आप हमारे सोशल मीडिया पे पूछ सकते हो, जिसमें फेसबुक पे अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो द इंग्लिश नब से आप हमें जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे द ई नब के नाम से हमारी आईडी है, वहाँ पर जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पर आप द ई नब के नाम से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पर आपको इसके नोट्स PDF मिल जाएंगे जो मैंने अभी करवाया, निर्भरता सिद्धांत ये मिल जाएंगे, और कई तरह के आपको BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के भी कोई नोट्स चाहिए हो तो वहाँ पे बच्चे आपस में शेयर करते हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े हैं, और कभी भी किसी भी समय आप अगर हमें कमेंट करते हो तो वी विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आप यूट्यूब पर ही हमसे जुड़ा रहना चाहते हो तो फेसबुक जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो दी इनअप, तो वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ये आपके एक एक लाइक शेयर कमेंट से हमें क्या होता है, हमें मोटिवेट होते हैं कि यार हम और वीडियो डालें, ठीक है, और अपने आप को इम्प्रूव करें और आपके सामने अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आएँ, ठीक है, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और हम भी कुछ हमें भी कुछ सीखने के लिए मिले। तो यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे हमें कुछ सीखने के लिए मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, आई एम विश्वजीत सिंह, थैंक यू सो मच, बाय बाय।